नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आपका अपना सिटी में। दोस्तों, भारतीय रेलवे से एक बड़ी अपडेट आई है, आपको बताऊंगा इस अपडेट के बारे में पूरा डिटेल के साथ। दोस्तों, 15 अक्टूबर से 7 जोड़ी नई ट्रेन चलेंगी। ये 7 जोड़ी ट्रेन कौन कौन सी चलेंगी और ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेंगी, आपको इस वीडियो में ट्रेनों की पूरी लिस्ट दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह है, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और दोस्तों, किसी भी सुझाव के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ को लेकर रेलवे ने 15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। आपको बता दें, मुजफ्फरपुर के रास्ते 7 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन होगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको 15 अक्टूबर से चलने वाली 7 जोड़ी ट्रेनों का नाम और नंबर बता देता हूं। ट्रेन नंबर 15211 और 15212। ये ट्रेन दरभंगा से अमृतसर और अमृतसर से दरभंगा के बीच चलेंगी। ट्रेन नंबर 15269 और 15270। ये ट्रेन मुजफ्फरपुर से अहमदाबाद और अहमदाबाद से मुजफ्फरपुर के बीच चलेंगी। ट्रेन नंबर 15559 और 15560। ये ट्रेन दरभंगा से अहमदाबाद और अहमदाबाद से दरभंगा के बीच चलेंगी। ट्रेन नंबर 15267 और 15268। ये ट्रेन रक्सौल से लोकमान तिलक टर्मिनल और लोकमान तिलक टर्मिनल से रक्सौल के बीच चलेंगी। ट्रेन नंबर 11033 और 11034। ये ट्रेन दरभंगा से पुणे और पुणे से दरभंगा के बीच चलेंगी। ट्रेन नंबर 19269 और 19270। ये ट्रेन मुजफ्फरपुर से पोरबंदर और पोरबंदर से मुजफ्फरपुर के बीच चलेंगी। ट्रेन नंबर 11061 और 11062। ये ट्रेन दरभंगा से लोकमान तिलक और लोकमान तिलक से दरभंगा के बीच चलेंगी। तो दोस्तों, मैंने आपको 15 अक्टूबर से चलने वाली 7 जोड़ी ट्रेनों के नाम और नंबर बता दिया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।